जाय खो ले हो जानी ते नाले जश्न मना ले गैरां दे मैं किवें सजावां दिल लड़िए है जो लतड़ गई विच पैरां दे ओ मेरी जिंद गमा दियां जेला विच ओ बन कैदन किर गई की करिए हाय हो जे उंज गिर दी ता चुक लैं दे ओ नजरां तो गिर गई की करिए नजरां तो गिर गई की करिए हाय नजरां तो गिर गई की करिए। नजरां तो गिर गई की करिए, यही वाला गाना क्यों? गाने तो बहुत सारे हैं ना दुनिया में। फील ज्यादा इसी में ला पाता था मैं शायद से। ए फील वाली बात पकड़ लो, ये ऐसा फील हुआ कोई चला गया या कोई नजरों से गिर गया जिसको उठाया नहीं? नहीं, अभी कोई आया ही नहीं गिरने वाला तो। उठाया नहीं। नहीं, माशाल्लाह लड़के ने फील कर लिया, गाना गा लिया, लेकिन झूठ भी बोल लिया कि अभी कोई आया नहीं। नहीं नहीं ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं तुम्हें पाने की, तुम्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। मैं तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रस्ते को छोड़ दूं, हर ख्वाब मेरा उम्मीद मेरी मैं तुझसे जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। अभी मेरे साथ कौन है पहले मैं आपको बता दूं, और मैं चैन की सांस क्यों ले रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से इसे ढूंढ रही थी, फाइनली आज मिल गया। सोहित है जो चुनैनी नाश्री टनल से फेमस हुआ था, जिसने गाना तो गाया था, ऑफ्टर ऑल उस गाने के पीछे क्या रीजन था वो भी पूछेंगे, लेकिन आवाज इतनी जबरदस्त थी। और आज इतना रोमांटिक मौसम है और उसमें सोहित की आवाज में गाना सुनेंगे। सबसे पहले गाने से शुरुआत करेंगे जो सोहित ने गाया था जिसके साथ वो फेमस हुआ। ये सोहित है और ये आफताब लोन है, यानी ये इनके साथ उस वीडियो में भी थे और इन्होंने ही कहा भाई आप जरा गाना सुना दे, ये तो मना कर रहे थे लेकिन इनके कहने पर सुनाया। आज सोहित बहुत फेमस हो चुके हैं, मतलब वायरल लड़का बोल सकते हैं इसको, चुनैनी नाश्री टनल का। सोहित पहले वही गाना सुनते हैं, उसके बाद में सवाल बहुत सारे हैं मेरे मन में, सारे पूछूंगी, ऐसा ऐसा बाहर तो मैं निकालूंगी। जरूर सुनाए आप। जाय खो ले हो जानी ते नाले जश्न मना ले गैरां दे मैं किवें सजावां दिल लड़िए है जो लतड़ गई विच पैरां दे ओ मेरी जिंद गमा दियां जेला विच ओ बन कैदन किर गई की करिए हाय हो जे उंज गिर दी ता चुक लैं दे ओ नजरां तो गिर गई की करिए नजरां तो गिर गई की करिए हाय नजरां तो गिर गई की करिए। मैं यहाँ पर बिल्कुल सुन रही हूँ, इसकी आवाज बहुत जबरदस्त है। आफताब लोन जी, आप बताइए कि आपको इसकी आवाज कैसी लगती है? बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा गला है इसका। तो हम तो बोलते हैं लोग जितनी भी पब्लिक है हम बोलते हैं कि इनको और प्यार, इसको और प्यार दें और इसको जितना भी शेयर हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें। मैं आपको बता दूं, सच में इसकी आवाज बहुत जबरदस्त है, और अगर हम वहां से यहाँ तक पहुंचे यानी दिल को दिल से राह हुई है तो आवाज बहुत अच्छी है। लेकिन सोहित, नजरां तो गिर गई की करिए, यही वाला गाना क्यों? गाने तो बहुत सारे हैं ना दुनिया में। फील ज्यादा इसी में ला पाता था मैं शायद से। ए फील वाली बात पकड़ लो, ये ऐसा फील हुआ कोई चला गया या कोई नजरों से गिर गया जिसको उठाया नहीं? नहीं, अभी कोई आया ही नहीं गिरने वाला तो। उठाया नहीं। नहीं, माशाल्लाह लड़के ने फील कर लिया, गाना गा लिया, लेकिन झूठ भी बोल लिया कि अभी कोई आया नहीं। नहीं, ये सच है। अच्छा, सोहित कभी सीखा?
नहीं बिल्कुल नहीं, मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला, क्या वजह जान सकते हैं क्या था जो मौका नहीं मिला? आवाज इतनी अच्छी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, क्या कारण रहा? जी ऐसे मैंने बताया मैं चनैनी का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर ये नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है, सुनने वाले भी कुछ काफी है नहीं है, ज्यादा मतलब कि क्रेज नहीं है इस चीज का। ये सारी बातें छोड़ो, अभी बताओ कि बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो, मतलब वायरल लड़का बोल सकते हैं हम चनैनी का, जिसे ढूंढते ढूंढते हम भी यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो बताओ कि जब फेमस हो गए कैसे पता चला कि यार मैं तो वायरल हो गया हूँ? पता क्या लगेगा ये, मतलब अभी मैं सोच ही रहा हूँ कि सही में मतलब कि अच्छा ये सच है या क्या है, मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, जी जी कितना अच्छा फील हो रहा है दिल पे हाथ रख के बताओ? बहुत बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। जी अब पीछे हटाओगे अपने कदम? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना नहीं। ना, जो गलतियां पहले की हैं आपने, अच्छा क्या गलती कर दी है पहले? गलती यही की है कि पहले कुछ 4-5 साल पहले मैं फेसबुक पर डाला करता था, मैं शॉर्ट वीडियोस डालता था, वही एक वीडियो डाली, फिर कमेंट्स का वेट करता था कि अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं वो देखूंगा, उनको लाइक करूंगा, शेयर भी लोग करते थे उस टाइम पे, यही कि 2-3 हज़ार लोग देखते थे तो मुझे उसी में बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि हाँ लोग देख रहे हैं। फिर 1 महीने बाद में दूसरी वीडियो डाल दी, फिर 3-4 वीडियोज़ डाली होंगी मैंने कोई पिछले 4 साल में, मतलब पीछे ही डाली हैं, उसके बाद में मैं मतलब मैंने छोड़ ही दिया कि नहीं अब कोई वीडियो नहीं डालनी है, तो फिर बस यही है कि क्रेज़ ख़त्म होता गया आस्ता आस्ता। लेकिन सोहित, बात करते हैं घर पे कौन कौन है? जी घर पे हम तो वैसे जॉइंट फैमिली में हैं, लेकिन अभी सेपरेट हैं मैं और मेरी मम्मा, ओके ठीक दीदी हैं उनकी शादी हो चुकी है। है, तो कोई और गाना सुन सकता है हम जो हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आए, और सोचो हम थक चुके हैं वहां से यहाँ तक आने में, हम भी रिलैक्स फील करें। जी बिल्कुल, मैं आपको हिंदी सॉन्ग सुनाऊंगा। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, तुम्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, दीवाने इनमें गिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो एक क्या काम करते हो वहां पे? टनल के अंदर ही थे, यूनिफॉर्म भी पहना था, क्या काम जी करते हो? वहाँ पर हेल्पर का काम करता हेल्पर हूँ का मैं। काम जी करता है, ठीक है। आफताब जी, लेकिन सोहित ना सारा क्रेडिट आपको दे रहा है कि आपने ही उस दिन कहा कि आप गुनगुनाएं, ये मना कर रहा था जैसे इसने बताया कि नहीं गाना चाहता। आपको पता था क्या आपकी एक वीडियो से जो है सोहित बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा? ऐसा हमें पता ही नहीं था कि इतना फेमस हो जाएगा और लोग लोग मतलब इतना चाहेंगे इसको, तो हम तो बाहर जैसे टनल के बाहर गए जब छुट्टी हो गई हमें, तो हमने वीडियो डाल दिया, तो शाम तक हमें यही लोग हमें फोन करने लगे कि कौन सा लड़का है यार, कहाँ का है ये, इतना अच्छा गला है इसका, और हमें मिलाओ इसके साथ। तो फिर ये उस वक्त दिल्ली चला गया था तो इसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया है, तो फिर जब ये आया तो इसको हमने बताया कि ऐसे से बात है, फिर ये बहुत खुश हुआ बहुत और खुश हुआ, लोगों का बहुत प्यार मिला। बहुत प्यार कर रहे हैं लोग इसे, बहुत हाँ मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा कोई ऐसे बीच में मिला जिसने कहा कि सोहित हमारे लिए गाए, या सोहित कुछ? जितने भी लड़के हैं जो हमारे जितने भी दोस्त हैं उनने बोला कि एक बार हमने फिर से गाना दोबारा टनल के अंदर सुनना है, हम जरूरी नहीं है कि नासी चनानी टनल में गाएंगे, हम और भी टनल हैं वहां जाकर अपने फ्रेंड ले जाएंगे, वहां गाना इनसे एक और गलवाएंगे। ठीक है, आपकी वीडियो कौन बना रहा था? क्रेडिट उसे भी जाना वो चाहिए। हमारा हमारा ही फ्रेंड है, भूषण भूषण सिंह है उनका नाम, तो उन्होंने की थी वो। अच्छा सोहित, आफताब जी ने तो बता दिया, और आप बताइए कि आप जो वीडियो है जो आपने टनल के अंदर गाया, पहले भी गाया करते थे या वो पहली बार ही था? टनल के अंदर वो पहली बार ही था वो पहली बार ही था, मतलब पहली बार मैं क्लीन बोल्ड कर दिया सबको। जी, क्लीन बोल रही, मुझसे भी ज्यादा अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, ये थोड़ा लक पे डिपेंड है। अच्छा लक पे डिपेंड है, मानते हो ना कि लक काम जी करता है। बिल्कुल, अच्छा तो जिस तरह से आप टनल में गा रहे थे, अब आप बहुत ज्यादा वायरल भी हो चुके हो, तो लोग क्या क्या बोल रहे हैं? थोड़े से कमेंट्स हमें भी लोगों के बता दो। मैंने ज्यादा यही एक मेरे को कमेंट थोड़ा ये सही भी कह सकते हैं या बुरा अच्छा भी, क्या एक था एक बताओ बंदे ने जरा? लिखा था ये आवाज टनल के अंदर ही ज्यादा अच्छी लगेगी, टनल के बाहर कुछ नहीं।
टनल के बाहर हूँ, मैं उस व्यूअर को बोलना चाहूंगी मैं सच में टनल के बाहर हूँ, मुझे ये आवाज बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, उसी के लिए जो व्यूअर्स ने कहा ना ये आवाज टनल के अंदर ही गूंजती है, जाहिर सी बात है टनल के अंदर आवाजें गूंजती है, उसका भी कहना सही होगा। चलिए कोई बाहर आप गाना सुना दीजिए, उन्हें भी पता चलेगा कि हम टनल से बाहर है। जी बिल्कुल। दस केड़ियां वफावां केड़े मंगदा सिले, असी जद भी मिले तू रया करदा गिले। दस केड़ियां वफावां केड़े मंगदा सिले, असी जद भी मिले तू रया करदा गिले। जदों डुले सी तेरे ते तू ते कुट भी ना पिता, मैनू दसते सही तू प्यार केड़े वेले किता, मैनू दसते सही तू प्यार केड़े वेले किता। सारे दिल टूटे हुए गाने ही गाते हो? नहीं, जिसमें फील ज्यादा अच्छा है मैं वही गाऊंगा। फील ले लेके गाते जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आफताब जी हम इनके साथ एक गाना सुनेंगे, मैं साइड पे हो जाऊंगी, इन्होंने वहां पे भी इसकी हेल्प की थी, यहाँ पे भी ये हेल्प करेंगे, इनको उस साइड भेज देंगे अभी हम। और लेकिन पहले मेरे को ये बता दो कि टनल में हेल्पर हो कितने मंथ हो गए या साल हो गए? वहाँ पर मुझे भी कोई डेढ़ महीना हुआ। डेढ़ महीना हुआ, छोटी एज के लग रहे हो, इससे पहले क्या काम करते थे या पढ़ते थे? पढ़ाई मैंने 2017 के बाद मैं छोड़ दी, तो उसके बाद टोल पर आ गया, मैं टोल पे काम किया, तो टोल से छोड़ दिया अभी एक डेढ़ महीने पहले, तो अभी टनल पे आ गया। टोल पे छोड़ने का रीजन यही था, आप तो जानते ही हो, लड़ाई झगड़ा, वो सबका रीजन कॉमन है। चलिए अब मैं यहाँ से हट जाती हूँ, अब सोहित और आफताब जी एक गाना गाएंगे, आप दोनों इस साइड पर हो जाएं। नहीं कर गोरिए मैलियां अखियां, कल पर देसेंगी तुरी जाना हो, कल पर देसेंगी तुरी जाना। शौकार करनियां शौकारियां, शौकार करनियां शौकारियां, आशकें माणुए मंगी खाना हो, आशकें माणुए मंगी खाना। नहीं कर गोरिए मैलियां अखियां, कल पर देसेंगी तुरी जाना। सोई तब एक अच्छा सा और भी सॉन्ग हो जाए आफताब भाई के साथ। आफताब भाई के साथ बिल्कुल। चलूं मैं तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं, हर ख्वाब मेरा उम्मीद मेरी मैं तुझसे जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। ऐसा कंपेनियन, ऐसा कंपेनियन, ऐसा साथी हर किसी को मिले, और आपकी जोड़ी माशाल्लाह ऐसे ही कमाल धमाल करती रहे, और अगली बार हम आए तब तक सोहित का एक गाना जरूर आ चुका होना चाहिए, और मैं चाहूंगी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो सोहित को सपोर्ट करें, और सोहित की आवाज बहुत अच्छी है, आप उस आवाज को जो है उनसे कोई गाना गुनगुनाए, और साथ ही साथ अगर आप सोहित की मदद कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जम्मू बुलेटिन के माध्यम से मैं यही अपील करूंगी कि सोहित को बहुत ज्यादा प्यार दे, और उसका जो फ्यूचर है वो भी बहुत ब्राइट रहे, ऐसा आप लोग भी दुआएं करें। तो ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।